फुल डे मस्ती में ही रहेगा कि हम लोग आज झालावाड़ के अंदर क्या क्या चीजें बहुत स्पेशल है, मस्ट गो एंड मस्ट हैव वाली है, वो हम लोग आज विजिट करेंगे। हे गाइस, मैं पहुंच गई हूँ झालावाड़। तो मेरा यहाँ पे था प्रोफेशनल ट्रिप। आज का फुल डे बहुत मस्ती होने वाली है। मैं यहाँ आ गई थी 2 दिन पहले, पर मैंने एक्चुअली काम काफ़ी ज़्यादा था और इंस्पेक्शंस जो होते हैं वो आप भी जानते हैं कि उसके कितना प्रेशर होता है। तो आप उसके अंदर कुछ भी ना तो कुछ शूट कर सकते हो और ना कुछ और सोच सकते हो। तो बस अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वाला सीन था। और सारा काम निपटाना था तो सब कुछ किया और बस अब फ्री हूँ। आज अभी 10 o'clock हम लोगों की मीटिंग वापस स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर रिजल्ट अनाउंस होगा जो कि अच्छा जाना चाहिए। और अभी फ़िलहाल मैं ये सैंडविच खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सैंडविच है। सो ये सूट है आज का मेरा आउटफिट और अब मैं निकल रही हूँ अपने रूम से और पहले जाएंगे लैब और उसके बाद में मस्ती। मैं रुकी हुई हूँ जय पैलेस में। यहाँ का सबसे बेस्ट होटल अगर मैं कहूँ ना, तो मेरे अकॉर्डिंग 5 की रेटिंग के अंदर मैं कहूँ तो ये 4 स्कोर करता है। काफ़ी कम्फर्ट स्टे है इसका, सिटी वाइज इसका प्राइस ठीक है। इनका इन हाउस किचन नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी खाना ये मंगवाते हैं यहाँ के पास के एक रेस्टोरेंट से। मेरा रूम है और अब बस लिफ्ट आ गई है। ये आ गए हम लिफ्ट में। रेखा आई है मुझे लेने के लिए। अभी ये इसका टेरेस पोर्शन के लिए रास्ता है। यह है झालावाड़ की सरोवर कचौरी सेंटर, जो कि यहाँ की हींग कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है। सुपर क्रिस्पी होती है, बिल्कुल ऑयल फ्री होती है और साथ में यहाँ पे पोहा बहुत अच्छा मिलता है। लोग कहते हैं जलेबी भी अच्छी होती है बट मैंने जलेबी ट्राई नहीं की। पोहा खरीदने के लिए रेखा गई है, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कल खाया था यहाँ का फर्स्ट टाइम और आज मैंने रिपीट के लिए यहाँ आ गई। लैब से फ्री होकर हम लोग निकल पड़े हैं गागरोन फोर्ट के लिए। रास्ते का ये व्यू आहू रिवर का मैं ब्रिज से देख रही हूँ, ऑसम व्यू है और बिल्कुल जंगल वाइब्स आ रही हैं। गागरोन फोर्ट खुला है अभी तो हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं। पहले यहाँ का व्यू मैंने दिखा रखा है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ये देखो इसके पीछे का व्यू, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। चलते हैं टिकट काउंटर पे। सिर्फ 50 rupees पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे और आप बाय कार भी अंदर जा सकते हैं, कोई भी व्हीकल अंदर लेके जा सकते हैं। गणेश पॉल से इसकी शुरुआत होती है। परमार और खींची वंशज का ये किला है। किला देखने में बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी सी पॉल, बड़ा सा दरवाज़ा और अंदर देखने पर देखिए कितनी हरियाली लग रही है शुरुआत में ही। बिल्कुल फोटोजेनिक ये किला है और ये देखिए यहाँ जौहर कुंड सबसे पहले आ रहा है। तो जी मिलिए अब रेखा से। रेखा यहाँ के लैब की बहुत ही सिंसियर स्टाफ है। मेरा प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा था और काम करते करते हम लोग कैसे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं जौहर कुंड के बाहर। जौहर राजस्थान की एक बहुत ही पुरानी और दुखद घटना है जिसके बारे में आज भी अगर विजुअलाइज़ करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जौहर का बहुत ही कहते ना लाइव एग्जाम्पल है चित्तौड़ का किला और ये गागरोन का किला। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं किले में और यहाँ एक वैली सॉर्ट ऑफ ये बना रखा है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे इमारतें बना रखी है जो कि बहुत फोटोजेनिक है। आज के दिनों में जब हम लोग इंस्टा की रील्स, फेसबुक की रील्स बनाते हैं ना तो वो रील्स यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक बैकग्राउंड दे सकती है। अब हम लोग आ गए हैं ग्रेट पैलेस, बड़ा पैलेस की तरफ, जो कि ऐसा लगता है देखने में, हालांकि हमारे पास गाइड नहीं था बट देखने में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे राजा रहा करते होंगे। वैसे परमार और खिंची डायनेस्टी का ये किला है और बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा स्पेशियस, बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा गार्डन वाले व्यूज़ हैं यहाँ, वैली व्यूज़ हैं यहाँ और आहू नदी और कालेसिन नदी के संगम के ऊपर ये बना हुआ है किला, जिसमें कहते हैं कि ये फाउंडेशन के बिना बना हुआ है, ये नींव रहित किला है यहाँ पे।
मैंने सुना है काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ये किला शायद हॉन्टेड है, इसी वजह से शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, पर नॉर्मल ऑफिस आवर्स जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, चाहे आप किसी भी किले में जाओ या कोई भी ऐसी ऐतिहासिक जगह जाओ, उसका खुलना और बंद होने का टाइम 9 से 5 का ही होता है। मे बी ये बहुत बड़ा किला है, स्पेशियस है और काफ़ी एकांत में है, तो शायद इसलिए इसे हॉन्टेड भी कहा जाता होगा। मैं इस पॉइंट पर ना तो एग्री करूँगी और ना डिनाई करूँगी, नो कमेंट्स वाला सीन है ये। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पहुंचे हैं द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ। इसे देखने में मुझे लगता है कि शायद ही रानी का महल होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि रानियों के महल के अंदर ही कृष्ण भगवान का एक मंदिर होता है, बच्चों की खेलने की जगह होती है, बच्चों का रूम होता है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भैरव पॉल की तरफ। इस पॉल की हिस्ट्री मैं एज सच अभी नहीं जानती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं गाइड के साथ में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भैरव जी का मंदिर मुझे दिख रहा है और इस पॉल का बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी बड़ी और ऊंची पॉल है ये। ये रहा भैरव जी का मंदिर। पॉल से निकलते हुए ना इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत था। मेरे ख्याल से ये आम जनता के लिए खोलना चाहिए है, ताकि वो यहाँ पे वॉक कर सके, और इसको एक पिकनिक प्लेस की तरह डेवलप करना चाहिए है। इसको घूमने के लिए ना कम से कम 2 से 2.5 घंटे चाहिए होते हैं। हम लोग ऑटो में थे, इस वजह से हमें करीब 1 घंटा लगा था। अब खैर, यहाँ आ गया है कृष्ण गेट और पैलेस ऑफ किंग्स। यहाँ से जब निकलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा नज़ारा आगे देखने को मिल रहा है। फुल ऑन ग्रीनरी है और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वेल्स बना रखे हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। ये रहा रसद कूप यानी कि वेल्स, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे ये वाटर हार्वेस्टिंग का। ऑल दो ये जो महल है ना, ये 3 वेज से सराउंडेड है नदी के, जिसमें कैलासिंध नदी है और आहू नदी है। अब मैं जा रही हूँ लक्ष्मण बुर्ज की तरफ, जो कि एक वैली की तरफ खुल रहा है और बहुत ही सुंदर वैली नज़र आ रही है। बारिश के दिनों में ना यहाँ पे ये पूरा पानी से कवर हुआ हुआ होता है, तो तीनों साइड से ना ये पानी से कवर हुआ हुआ, ऐसा लगता है कि आइलैंड के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। बंदर बहुत है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये देखिए, इस पॉल के अंदर से रोशनी आती हुई कितनी सुंदर लग रही थी। हम लोग थोड़ी सी ऊंचाई पे अब आ गए हैं, तो यहाँ से ये कंप्लीट व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। ये ब्रिज दिख रहा है जो कि कनेक्ट हो रहा है इस फोर्ट से, और अब इस फोर्ट का सबसे बेस्ट वाला व्यू आ जाता है, जहाँ एंड है गागरोन फोर्ट का, जहाँ पानी है, खेत है, पठार है, पहाड़ है। और इतना औसम है ना ये व्यू कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बस यहीं बैठी रहूँ, एक चाय का कप मेरे हाथ में आ जाए और उसकी ब्यूटी ना मैं वर्ड्स के अंदर डिफाइन ही नहीं कर पा रही हूँ। मिठू ऐसे बोला हो, मिठू। नेचर की इस खूबसूरती में ये देखो तोते उड़ गए। नेचर की इस खूबसूरती को आंखों में भर के और ज़रा सा वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग निकल चुके हैं खाना खाने के लिए। तो लंच के लिए हम आए हैं रूपाली ढाणी, जो कि यहाँ के लोकलाइट्स के बीच बहुत फेमस है। हम लोग खाने वाले हैं आज आलू मटर, ग्रीन सैलड है वहाँ पे, चपाती का वेट हो रहा है फिलहाल, और साथ ही के अंदर है ये वेजिटेबल रायता। ये सामने रेस्टोरेंट है जिंदगी झालावाड़, बहुत टेस्टी खाना है इसका। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी हमने लिया है यहाँ का, ये रूपाली ढाणी नाम से एक रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खाया है अभी। यहाँ खाना भी बहुत अच्छा है। जी मैंने आज एक कॉफ़ी बाइट ली है, खाने के बाद में चॉकलेट। बस अभी रूम में आई हूँ और मेरी रूम की खिड़की के पास मैं खड़ी हूँ। देखिए इसका नज़ारा पीछे से ऐसा है, हालांकि फ्रंट रोड फेसिंग नहीं है मेरा ये रूम, लेकिन साइड से भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे। शाम होते होते ना काफ़ी सुहावना हो गया है ये मौसम वगैरह। तो हम लोग गागरोन फोर्ट गए थे और बहुत मज़ा आया वहाँ घूमने में हमें। और आज रेखा साथ में थी ना, तो इसलिए वो बता रही थी कि यहाँ पे किस तरह की फसलें होती है और क्या सब कुछ होता है। तो जानने को मिला कि अभी यहाँ पे गेहूँ की खेती जो है उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, और जनरली यहाँ पे ज्वार, मक्की और सरसों, चना, ये सब कुछ उगता है। इवन चने की भी फसल यहाँ पे अभी हार्वेस्ट में है, तो ये सब चलता है। और कुछ लोग यहाँ पे चावल भी लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा घना सा जंगलों वाला, हरियाली वाला, नदियाँ, पहाड़, बहुत सुहावना सा, अच्छा छोटी सी सिटी है बट बहुत प्यारी सिटी है। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो अभी आज का प्लान ये रहेगा कि मैंने
आकर थोड़ा सा मैं फ्रेशन अप हुई, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम मंगवाया है। आ गया कुछ नहीं, बस जब अभी रेखा लैब गई है थोड़ा सा अपना काम निपटाएगी वो, और उसके बाद फिर वो आ जाएगी वापस वहीं से कचौरी लेके जहाँ मैंने सुबह एक शॉप बताई थी जहाँ से हमने पोहे खाए थे, वहाँ से वो कचौरी लेकर आएगी। हींग की कचौरी है, फेमस है बहुत वहाँ की, तो हम लोग यहीं होटल से चाय मंगा लेंगे, चाय और कचौरी हम लोग इन्जॉय करेंगे। उसके बाद में हम लोग करीब 8 बजे के आसपास पैकिंग कर लेंगे। मैं वापस जोधपुर निकल रही हूँ क्योंकि 9:30 बजे की रात की बस है, एग्जैक्टली कहूँ तो 9:35 की है, तो फिर बस कल सुबह 7:30 तक मैं पहुंच जाऊंगी जोधपुर। तो आज झालावाड़ का सफ़र यहीं तक था, मतलब इस बार झालावाड़ का सफ़र यहीं तक था। देखो अगर भगवान ने चाहा तो फिर से कभी आना होगा झालावाड़, वरना बस टाटा बाय बाय हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के साथ ही झालावाड़ को। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि मेरा आज की ऑडिट कैसी रही। ऑडिट ओवरऑल मेरी बहुत अच्छी थी, और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना कि अराउंड 25 क्वेरीज यानी कि एनसीज आएंगी, बट 16 एनसीज ही आई, थैंक गॉड। अच्छा है, मेहनत सफल हुई। मैं कुछ मेरे फोटोग्राफ्स शेयर कर रही हूँ जो अक्टूबर विजिट की थी। हम लोग संत पीपा जी के समाधि स्थल पे भी गए थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ से भी। और आहू और सिंध, काली सिंध नदी का जो संगम है ना, वो भी इसके बैकयार्ड अगर अपन देखें ना तो वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ से गागरून फोर्ट का भी व्यू बहुत औसम है, ये देखिए। तो बस शाम हमने वहाँ गुजारी थी, अक्टूबर की बात है ये। और उसके बाद में हम लोग गए थे आनंद धाम, जो कि शिव टेंपल है जहाँ पे, और वहाँ का भी देखिए ये बहुत अच्छा एक व्यू है, जो पूरी सिटी दिखती है, थर्मल प्लांट भी यहाँ से दूर से ही दिख रहे हैं। और साथ ही में हम लोग उस विज़िट में गए थे ये सूफ़ी संत जो थे, मिठे शाह दरगाह, जो कि गागरून फोर्ट के जस्ट नीचे ही आता है। तो बहुत ही धार्मिक मान्यताएँ हैं यहाँ की, मन्नतें बहुत सफल होती है इस दरगाह में जाने पर। तो यही कुछ बेहतरीन सी जगह है झालावाड़ घूमने के लिए। मेरा चेकआउट टाइम हो गया था अभी, हम लोग जाने वाले हैं बस स्टॉप, 9:35 की बस है मेरी, वहाँ से रेखा मुझे ड्रॉप करेगी। और ये देखिए मेरे बस के अंदर का नज़ारा। गाइस, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।